अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स आर के साथ मैं हूं आपका मेजबान अरसलान हसन। आज मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट की दुनिया के दो बहुत बड़े नाम। आज हम इनसे बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के बारे में। क्रिकेट की दुनिया की दो टाइप्स, हार्ड बॉल और टेनिस बॉल। हार्ड बॉल का स्कोप जो कि हार्ड को खेलते हैं, अब पहले तो डोमेस्टिक था, इसके बाद PSL आया। PSL के जरिए बहुत सारा न्यू टैलेंट जो कि सामने आ रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। और टेनिस बॉल कुछ अरसे से काफी ज्यादा फरोग हासिल कर चुकी है और बहुत सारे प्लेयर जो कि टेनिस से हार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि हार्ड को छोड़कर टेनिस में शिफ्ट हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चकवाल के बहुत ही जाने माने प्लेयर और ऑल ओवर द पाकिस्तान खेलने वाले मलिक फैसल। मलिक फैसल, वेलकम कहते हैं आपको। इसके साथ मौजूद हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत टेनिस क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह, हालिया वक्त में छक्के चौके और टीम को जितवाने की सलाहियत रखने में कोई इनका जो है वो हमसर नहीं, फहद मियां चन्नू। फहद आलम इनका नाम है और मियां चन्नू से इनका ताल्लुक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फहद भाई, वेलकम। थैंक यू। फहद भाई, पहला सवाल आपसे कि दो टाइप्स हैं क्रिकेट की, हार्ड बॉल और टेनिस बॉल, आपने टेनिस ही क्यों चूज की? सर, मैंने इसके लिए ये वजह कोई नहीं है, ऐसे आलम साहब का अपना नसीब होता है, शुरू से भी क्रिकेट बॉल खेलते हैं, लेकिन फिर ऐसे ऐसे स्कूल दौर में जो हमारी टीम बनी स्कूल लेवल पे, उसमें हमने हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे ही पहले मैं था एज ए बॉलर, खेलता था क्रिकेट में, मैं एज ए बॉलर आया था, बॉलर आया था, तो खेलते थे स्कूल के बाद, फिर कॉलेज लेवल पे आ गए, कॉलेज लेवल पे खेले मैच, ऐसे में शौक बढ़ता गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान अंडर 16 खेली अपने डिस्ट्रिक्ट खानावाल से, उनके तो मेरे एक दोस्त आए, यानी कि जमान, ये मेरा दोस्त आ रहा है जमान, इसके वो जाने वाले थे, इस वजह से फिर इनके वो वसीले से वहाँ पे गए हैं, तो सिलेक्ट हो गया मैं वहाँ पे पाकिस्तान अंडर 19 चल गए, मेरी और बाबर आजम, हमारा आजम, इन सब की कठी सेक्शन हुई थी पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। तो तब मेरी तकरीबन 138-137 तक मेरी जो बॉल की पेस थी, क्योंकि मतलब मेरी यही 19 साल उम्र होगी मेरी। उसके बाद फिर वापस आए तो आपस में वो कजनों का झगड़ा हुआ, तो उनको जुला करवा दी, इन्हें मेरी छोड़ लग गई, मैं इन्हें रह गया उसमें अंडर 19 खेलने से पहले, यानी कि छुट्टी थी 3-4 दिन की, जाओ अपना सामान वगैरह जो है वो ले आओ, इसके बाद 15 दिन का कैंप था लाहौर में, लेकिन उस 3 दिन में मुझे ये मेरे साथ हादसा हो गया, फिर वो चांस मेरे से मिस हो गया। उसके बाद फिर जो है काफ़ी देर बाद चांस मिला पाकिस्तानी टीम के लिए, काफ़ी देर बाद 2 साल बाद, तो उसमें भी मेरे साथ ऐसे ट्रेजेडी होगी, चोट लग गई, तो जिस वजह से जब भी मैं उस फील्ड में जाता था मेरे से कोई ना कोई हादसा होता था, और उसके बाद मेरे ख्याल में तो क्रिकेट छोड़ने की सिचुएशन थी। सबसे पहले मैं हार्ड बॉल में आया हूँ, मैंने ना मेरे बड़े भाई खेलते थे पहले हार्ड बॉल, ठीक है, फिर मैंने अंडर 16 लेवल पर रिप्रेजेंट किया रीजन लेवल पर आर्मी की टीम को, फिर मैंने अंडर 19 लेवल पर रिप्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद बस वो कह रहे हैं कि बस बैड लक थी, मेरा चांस नहीं बन सका पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, ठीक है, परफॉर्म सीरीज भी थी, लेकिन आपको पता है एज अ बॉलर, लेफ्ट आर्म मैंने 1900 भी किए थी मैचों में, ठीक है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बस बैड लक थी, कुछ नसीब की भी बात होती है, कुछ हमारे पास बैकग्राउंड ऐसा था कि नसवार इतनी अच्छी ना थी, पैसे भी हमारा इतना फैमिली, तो उसके बाद मैंने फिर मेहनत अपनी जारी रखी। उसके बाद मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेले, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पैटर्न स्टाफ ही खेले दो डिपार्टमेंट की तरफ, हार्ड बॉल, ठीक है, मतलब मेरा फुल फोकस हार्ड बॉल पे था, ठीक है, जैसे देखा है कि थोड़ा सा डिसहार्ट हुआ हूँ,
कुछ आगे नजर नहीं आ रहा, कोरोना आ गया, जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से सारी दुनिया तो सर हुई है बढ़ जाए के, तो मैंने सोचा जाहिर सी बात है कि आप कुछ किया जाए, जाहिर सी बात है घर वाले भी कहते हैं कि कुछ करो जाओ मेरा करो, तो उस हिसाब से फिर टेबल में आया। टेबल में फिर आपको पता है कि मेरे उस्ताद मोहतरम खुरम चकवाल ने चकवाल चकवाल अपनी उस्ताद हैं, तो मैं इधर से डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम बनी है, मैं गुजरात चला गया, गुजरात में मैंने पूरे टूर्नामेंट में बनी सुपर लीग के नाम से टूर्नामेंट हुआ था जिला वाइज, उसमें मैंने बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म किया, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट आया, ठीक है, गुजरात वाला के खिलाफ मैंने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी फाइनल में, थ्रू पूरे टूर्नामेंट मैनेज बॉलिंग, उधर से मैं हेड हुआ वो टूर्नामेंट मैनेज लेना, पहला टूर्नामेंट था मतलब पाकिस्तान लेवल पे जिसमें मैं हेड हुआ, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते जाहिर सी बात है ये ऐसी फील्ड है आपको पता है टेबल में शार्क, ठीक है, थोड़े से टाइम में पैसे काफ़ी मिल जाते हैं, गुजारा हो जाता है, साथ साथ हार्ड बॉल में मेरे जारी है, लेकिन टेप बॉल को ज्यादा अच्छा बॉलिंग की तरफ रुझान क्यों, बैटिंग भी तो कर सकते थे, बस जेन्युइन नेचुरल है, हम दोनों भाई हैं, दोनों बॉलर हैं, अच्छा हमारे गांव में माशाल्लाह चार खंबे हैं, चार खंबे बॉलर हैं। फर्क भाई बैटिंग के दौरान कोई बॉलर ऐसा जिसने आपको तंग किया हो? देखिये जो टेप बॉल है ना उसमें दिन होता है, बाद बात ऐसा टाइम आता है कि जो बैट्समैन की फेवरेट बॉल होती है वो भी मिस हो जाती है, और बाद बात ऐसा होता है कि बॉलर का सबसे वो जो फेवरेट बॉल होता है उसमें हिट हो जाती है, इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को खेलने में भी परेशानी नहीं हुई, अपनी नेशनल गेम करते हैं, बाकी जिसका दिन अच्छा हो वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बाकी ऐसा कोई घबराने वाला कोई सिस्टम नहीं कि किसी बॉलर से घबराए हो या मैच में कोई ऐसी परेशानी हो, मुझे जाती तौर पर प्रेशर नहीं ज्यादा पसंद है कि प्रेशर हो, आवाम हो, क्राउड हो और मैच फंसा हुआ हो, वो मैच निकालने में मुझे ज्यादा यानी कि उस मैच का ज्यादा मुझे मजा आता है, मैं शौक से वो मैच खेलता हूँ, प्रेशर नहीं होता। पैसे भाई क्रिकेट खेलने में सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया? मैंने मैट्रिक से पहले मतलब देना 8th क्लास से स्टार्ट कर दी, क्रिकेट स्टार्ट कर था हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, क्रिकेटर को लगता नहीं है, हमारे वाले साहब कहते हैं हमारे बच्चे हैं कजन हमारे सारे कहते हैं, तो काफी जो है ना मुझे घर से सपोर्ट थी, अक्सर आप चले सपोर्ट नहीं होती, ये तो आपका प्लस पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट था कि मैं रात को अगर 3-3 बजे भी हूँ तो वाले साहब मुझे जो है ना मुझे रिसीव करते थे और वो मुझे प्रमोट करते थे, उस टाइम में भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जिस टाइम में हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, मेरे शूज वगैरह लेके देना, साथ जाना मैचेस पे, स्कूल से छुट्टी वगैरह लेके देना, जाहिर सी बात है माँ बाप नहीं करते, आम बहुत काम जो भी है नहीं करते, आजकल माँ बाप कहते हैं पढ़ो यार कोई नौकरी करो, सही बात है, क्रेडिट उनको ही जाता है जिन्होंने मुझे घर से, भाई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, तो वालदा ने वाले साहब ने मुझे घर से बहुत सपोर्ट किया। कोई ऐसी वजह जब आपने ये कहा होगा क्रिकेट छोड़नी? बस नहीं ऐसा तो कोई नहीं अभी तक आया, जब बैट बैठ जाता है जाहिर सी बात है उल्टा फॉर्म मजा होता है, थोड़ा सा बंदा डिसार्ड होता है, लेकिन उस टाइम पे अच्छे वक्त को याद करते हैं कि यार हमने फलान जगह पे बॉलिंग की थी, बेस्ट बॉलर आए थे, तो उस वजह से फिर इतना वो नहीं होता। फर्क भाई 4-5 साल पहले की टेनिस बॉल और अब की टेनिस बॉल, आप क्या फर्क महसूस करते हैं? इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, अभी हम बैठे हैं बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गया, अभी हम बैठे हैं इसमें यानी कि ये जैसे सोशल मीडिया है आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे ही सोशल मीडिया जो है इसने टेबल को बहुत ज्यादा ग्रूम दे दिया है, आप पूरे पाकिस्तान में मेरे बहुत ज्यादा इंडियन फैंस हैं काफी ज्यादा जो इंस्टाग्राम पर गपशप होती है वो इतना लाइक करते हैं हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट को टेबल को, तकरीबन पूरे टेबल को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, हमारे पाकिस्तान की जो टेबल है जिसमें हमारे पाकिस्तान के मशहूर प्लेयर्स हैं उनको बहुत देखा जाता है, उसकी वजह 5 साल पहले क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, प्लेयर जो थे वो खेलते जाते थे, ज्यादा रेवेन्यू मिल गया उनको आने जाने का, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं था, या अगर टूर्नामेंट जीते तो थोड़ा बहुत जो इनाम होते हैं, अब ये 3-4 सालों में ये फर्क आ गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको ये सलाहियत दी हुई है, वो ये खेल के अपना पैसा कमा लेते हैं, माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम है इसमें हर प्लेयर का, जैसे PSL में हर प्लेयर का अपना रेट होता है, ऐसे इसमें भी हर प्लेयर का अपना अपना रेट होता है, स्पॉन्सर तो स्पॉन्सर हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट जो है इसका मैच स्पॉन्सर को भी जाता है कि जो जितने बड़े प्लेयर जो इतने महंगे प्लेयर बुलाते हैं एक एक दिन का 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार देना आसान बात नहीं है, फिर खर्चे फिर आ जाने की ट्रैवलिंग, तो मैं कहता हूँ कि जो पहले दौर की जिन्होंने टेबल खेली ना वो बहुत मुश्किल थी, आज की जो टेबल है वो उसमें बहुत ज्यादा आसानी है प्लेयर के लिए, जिस जिसमें भी कोई टैलेंट है इस बंदे में भी अगर वो मेहनत करे तो अच्छा खासा रिजल्ट वो अपना कमा सकता है और अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो इसमें बहुत फर्क है, आप इसमें सोशल मीडिया आ गई है, आप जहाँ भी दुनिया में मर्जी होने में वहाँ पे आप बैठ के मैच देख सकते हो अपने फेवरेट प्लेयर्स का, तो इसमें मेरे हिसाब से आप सबसे जो अच्छा रोजगार और इसमें माशाल्लाह रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत ज्यादा फेम पकड़ती जा रही है, और जैसे दिमाग खोल हो रही है, इसमें पहला इनाम इसका 30 लाख है,
और ये टीबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होगा, इसमें जो है 30 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज है और 15 लाख रुपए सेकंड प्राइज है। जी दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि टेप बॉल, और टेप बॉल में 30 लाख रुपए का इनाम और दूसरा इनाम 15 लाख रुपए, बहुत बड़ा ग्रुप टेनिस बॉल को मिलता जा रहा है हार्ड बॉल की निस्बत। अब जैसे कि हमारे मजेस मेहमान हैं दोनों हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनका कहना यह है कि जैसे हार्ड बॉल में पैसा है, इससे अगर ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है टेनिस बॉल में। तो फाद भाई कभी बैरूनी मुल्क भी गए हो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंडियन में आपके इंडियन फैंस हैं और इस तरह के, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में आपको जो है वो देखा जाता है। जी जी, बैरूनी मुल्क भी कभी खेलने गए हैं? मेरा रिसेंटली जो पिछला साल गुजरा 2020 में, इसमें मेरे 3-4 इवेंट्स में मैंने की हुई थी, बाद में ली हुई थी, एक ओमान था, युगांडा में टूर्नामेंट था और अबू धाबी में थे दो टूर्नामेंट। अच्छा। तो उनके साथ भी डील हो गई थी, लेकिन ये कोविड आ गया, इसकी वजह से जो है वो सारे टूर्नामेंट कैंसिल हो गए। उसके बाद फिर अब 2021 आ गया, अभी यानी कि टूर्नामेंट हो रहा है अभी थोड़े दिन तक, साइंस पार्क हो जाए दुबई में, तो उसकी कॉल है अगर ये फ्लाइट वगैरह ओपन हुई तो जरूर जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी तक बाहर खेलने का मुझे वो नहीं अभी मौका मिला, पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जरूर। हम आपको दुआ करें, जो आजकल की नौजवान नस्ल है मोबाइल्स में और अनदर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जो है वो आगे जा रही है, लेकिन कोई ऐसी सरगर्मी नहीं कर रही जिससे उनका माइंड फ्रेश हो, उनकी बॉडी को जो है वो रिलैक्सेशन मिले, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान जो है ग्राउंड में आए? असल में पता क्या है, पहले जो आज से तकरीबन सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, उसमें ये है कि लोगों में वो क्या कहते हैं, अब किसी से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, जो हमारे जो यंगस्टर है ना, जो यंगस्टर आ रहे हैं उनकी यानी कि इतनी थी उनकी एज 22-23 साल में माशाल्लाह बच्चा जवान हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे 12-13 साल की उनमें कोई ताकत नहीं है। असल में जो जितनी भी फैसिलिटीज आ गई है ना, इन्होंने हमारी नौजवान असल सारी तबाह करते हैं। फैसिलिटीज जरूर अपने अगर उसको पॉजिटिव तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मोस्टली लोग नेगेटिव यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारे मुसलमानों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग जो खेल से दूर हो गए, ग्राउंडों से दूर हो गए, अब अपनों से भी जाएंगे, अपनों साथियों से हैं, एक जगह बैठे थे, अब चार दोस्त अगर बैठे हैं तो हर ने अपना मोबाइल यानी कि इसने जो बंदा दूर बैठा होता है ना वो आपके करीब आ जाता है, तो करीब बैठा है वो दूर तो दूर रहता है। ये इससे बड़े नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव इससे जो है असरात आ रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन सारी बर्बाद हो रही है, किसी भी गेम में नहीं होता पहले, क्योंकि आप खेलोगे तो ही आप ताकतवर होगे, आप गर्मी में जाओगे, अभी ये जो जैसे कोविड आया पूरी दुनिया को आग रख दी है, लेकिन हर बंदे ने ये कहा पूरे इंडिया में बड़ा अटैक हुआ है, मुस्लिम जगह वैसे भी मुसलमान कर्मक हुए हैं, ईमान है हमारी मौत एक दिन आनी है, तो यानी कि खेल से ये है कि बंदे में वो विल पावर ज्यादा आती है, बंदे में बर्दाश्त की जो ताकत ज्यादा आती है, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं, आप ग्राउंड जाते हैं खाली होता है, इधर भी जिधर भी हम देख रहे होते हैं जितने भी यंग लड़के हैं वो कहते हैं बस मोबाइल हो, बाइक हो, या बस एसी हो, उसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ ना हो, इससे सारी नौजवान असर बर्बाद हो गया। हम तो ये कहेंगे कोई भी गिक्सर गर्मी इलाज नहीं करें, ताकि आप इससे ये कि आपका जिसम भी हेल्दी रहता है, पावरफुल रहता है और आपको प्रॉब्लम नहीं, तो बीमारियां से बंदा बच जाता है। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ये फायदा है, आप कुछ भी नहीं कमा सकते ना, कम से कम आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो, स्पोर्ट्स का ये है, शाम की रनिंग या सुबह की ये लाजमी करनी चाहिए, स्पोर्ट्स मैन हो या आम इंसान हो। लेकिन ये है कि अब बस बात हुई थी कि जो जितनी भी फैसिलिटी उसने हमारी नौजवान असल बड़ी नीचे कर दी। आप कुछ स्पोर्ट्स मैन हैं, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, आप इसको रैंक करो? सब तो तीनों हैं, एक चांदी का जवाब दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इमरान खान है, अच्छा बोल रहे हैं, टू का अनिवार्य कर दिए हैं, ठीक है, खान साहब जाहिर सी बात है क्रिकेट में नाम है पहचान, शाहिद भाई इराद शाहिद भाई का खुद फैन हूं, फैन हूं, लेकिन अच्छा खान साहब जिधर है जाहिर सी बात है उनका क्रिकेट अपना है। फार भाई मुझे शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, हाँ जी, कोई खास कोई उसकी बात मुझे ये चौके मतलब जैसी है आप चाहे प्रेशर है तो उसका ये सबसे बड़ी खास वजह है, अक्सर लोग तरगीब भी करते हैं शाहिद अफरीदी पे, और ये कि वो ऐसा खिलाड़ी है जो जिसको बाहर की दुनिया भी पसंद करती है, अगर वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे ना तो इंडिया के वहाँ भी चाहेगी कि अफरीदी सिक्स मारे, यानी कि वो ऐसा बन गया, चाहे वो थोड़ा खेल परफॉर्म इतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन जब मतलब वो ग्राउंड में गया विंडर लगा दिया वो उसके असर देने के अलावा किसी ने भी नहीं। अच्छा मतलब इमरान खान और शोएब अख्तर फास्ट जारी बात है वो ना नहीं है, लेकिन जो कि दुनिया की रिकॉर्ड बॉल है बिल्कुल अभी तक किसी ने नहीं, तो आप इमरान खान
नाज़रीन बहुत ही मजा आया इनके साथ गुफ्तगू करने में। मलिक फैसल जिनका ताल्लुक चकवाल से है और फादर जिनका ताल्लुक मियां चन्नू खानेवाल से, बहुत ही मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती बात में से अपना जो है वो आपने कीमती बात में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका भी साहब ऐसा रहा है हमें यहाँ पे बुलाया, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।